हेलो बेटा, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा सब प्रेम नमस्कार। कैसे आप सभी? एकदम बढ़िया हो, मस्त हो, व्यस्त हो, सुखी हो? चलो भाई देखो बेटा, आपको पता होगा पिछली क्लास में हम लोगों ने एक चैप्टर शुरू किया था। चैप्टर मीन्स क्या, पूरी एक क्लास शुरू कर दी हमने। 11th क्लास शुरू कर दी है, 11th क्लास है। एक वीडियो या एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है जिसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस मैंने बताया इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स होता क्या है, इकोनॉमिक्स क्यों जरूरी है, उसका इतिहास क्या है, उसके पापा कौन है, और आज के टाइम पे इकोनॉमिक्स कैसे आई, माइक्रो मैक्रो कैसे आया, ये सारी बातचीत बच्चों आप लोगों से मैंने लास्ट क्लास में करी थी। कोई चैप्टर शुरू नहीं किया, बस इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन दिया। आज की इस क्लास में हम अपनी पहली किताब, बेटा कौन सी किताब, हम अपनी पहली किताब माइक्रो इकोनॉमिक्स, बेटा क्या बोला मैंने, माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र शुरू करने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर वन इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का परिचय। नाम क्या है, अर्थशास्त्र का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स हम आज की इस क्लास में शुरू करेंगे। समझ में आया आप लोगों को, हम आज की इस क्लास में क्या करेंगे बेटा, हम आज की इस क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर वन। बेटा अगर मैं चैप्टर नंबर वन की बात करूं तो पहले देख लो कि चैप्टर नंबर वन के अंदर हमको पढ़ना क्या क्या है। अगर हम मैं बात करूं चैप्टर नंबर वन की, तो देख लो चैप्टर नंबर वन के अंदर हमको पढ़ना क्या क्या है। जी चैप्टर नंबर वन के अंदर हमको पढ़ना इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था क्या होती है और उसके प्रकार। इकोनॉमी का हल्का सा मीनिंग आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इकोनॉमी माने देश, अर्थव्यवस्था माने देश, लेकिन एग्जाम में लिख के नहीं आना कि अर्थव्यवस्था का मतलब देश होता है। बेटा अब आपका लेवल बढ़ चुका है, अब आप 6th क्लास में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में नहीं हो, अब आप 11th में आ चुके हो। यहां पे आपको प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा कि इकोनॉमी का मीनिंग क्या है, यहां पे आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस करना पड़ेगा कि इकोनॉमी कहते किसको है। अब आपकी अपनी लैंग्वेज नहीं चलेगी, जो चीज आपको बताई जाएगी वही आपको लिखना पड़ेगा किसमें, अपने एग्जाम में, ठीक है। तो इकोनॉमी का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है, लाइन बाय लाइन मैं पढ़ाऊंगा और वही आपको एग्जाम में लिख के आना है, पूरे के पूरे 2 मार्क्स आपकी जेब में आ जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या, झेपा क्या, सुनो। फिर टॉपिक नंबर 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है, दिमाग मत लगाओ, जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, अभी से पढ़कर क्यों टेंशन लो। अभी टॉपिक नंबर 1 पढ़ेंगे आज की इस क्लास में, इकोनॉमी एंड इट्स टाइप, अर्थव्यवस्था एवं उसके प्रकार, ठीक है। अगर आपको लिखना हो कि चैप्टर 1 में क्या क्या करना है, एक बार आप इसको लिख लो वीडियो पॉज करके। चलिए बेटा बढ़ते आगे की ओर, इकोनॉमी एंड इट्स टाइप एक काम करता हूं, पहले मैं आपको इसका मीनिंग क्या है, पहले मैं आपको बताऊंगा इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है पहले जानो, जो आपको एग्जाम में लिख के आना है। बेटा आप एग्जाम में लिख के आओगे इकोनॉमी इज अ सिस्टम, अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है बाय विच जिसके द्वारा पीपल ऑफ एन एरिया, एक क्षेत्र के लोग अर्न देयर लिविंग, अपना जीवन यापन करते हैं। सर जी क्या मतलब है इसका, सर जी मतलब क्या है, मतलब कुछ नहीं है, अभी बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तब दोबारा रीडिंग करूंगा समझ में आएगा। अब बस रीडिंग कर लो कि इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक क्षेत्र के लोग, बट यहां पर क्षेत्र का मतलब है देश से, बट यहां पे एरिया का मतलब किससे बच्चों, देश से, यहां पे एरिया का मतलब बड़ा किससे, कंट्री से मतलब है, एरिया का मतलब है यहां पे किससे, देश से। तो बोल रहा है कि इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जहां पर एक देश के लोग, एक एरिया या फिर क्या, एक देश के लोग अर्न देयर लिविंग, लिविंग मीन्स क्या, जीना, जीवन जीना, जहां पर वो जीवन जीने के लिए, देखो जीवन यापन करना, बट जीवन यापन करने का मतलब क्या है, अर्न देयर लिविंग का मतलब क्या है, अर्न देयर लिविंग का मतलब है जहां पर लोग जीवन जीने के लिए पैसा कमाते हैं। भाई बताओ अगर आपको जीवन जीना है क्या करोगे, जी लोग ऐसी भाई पैसा होना चाहिए ना, अगर पैसा नहीं होगा तो क्या खाओगे, पैसा नहीं होगा तो अस्पताल,
कैसे जाओगे? तो आपको कुछ ना कुछ पैसा चाहिए अपने जीवन जीने के लिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप जीवन नहीं जी सकते। एक भिखारी को भी क्या चाहिए? पैसा चाहिए जीवन जीने के लिए। वो भी दर दर जाकर पैसा मांगता है, किसके लिए? जीवन जीने के लिए। तो जीवन यापन करने के लिए, अपनी लिविंग, लिविंग मीन्स क्या? जीवन, अपनी जीवन जीने के लिए आपको पैसा कमाना पड़ेगा। तो क्या बोल रहा है? इकोनॉमी इज अ सिस्टम, इकोनॉमी एक ऐसी प्रणाली है, अर्थव्यवस्था एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक देश के लोग, देश नहीं लिखना, देश समझा रहा हूं बताने के लिए, लिखना एरिया है जहां पर, पीपल ऑफ एन एरिया, एक क्षेत्र, लोग, क्षेत्र मीन्स क्या? देश, जहां पर एक देश के लोग अर्न देयर लिविंग, अपना जीवन यापन करते हैं। इट मीन्स क्या? जीवन यापन करने का मतलब क्या? देखो, जीवन यापन करने का मतलब है, जीवन यापन करने का मतलब है जीवन जीने के लिए, जीवन जीने के लिए पैसा कमाते हैं। जीवन यापन का मतलब क्या है? जीवन यापन का मतलब है जीवन जीने के लिए पैसा या फिर धन। ओके, आपको बता रखा है मैंने, इकोनॉमी में सारी बात होती है पैसों की, इकोनॉमी में, अर्थशास्त्र में सारी बात किसकी होती है? पैसों की। यही अर्न देयर लिविंग मतलब क्या है? अर्न देयर लिविंग मतलब यही है कि जीवन जीने के लिए पैसा या धन, पैसा या फिर क्या? धन कमाते हैं। तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम, इकोनॉमी एक ऐसा, साथ साथ बोलेंगे इकोनॉमी इज एन सिस्टम, इकोनॉमी इज अ सिस्टम, इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है, इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम बाय विच, जिसके द्वारा पीपल ऑफ एन एरिया, पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग, अर्न देयर लिविंग। सिंपल से तीन बातें, इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम है। इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम है। ज्यादा नहीं, बस तीन बातें, ज्यादा नहीं बस तीन बातें। क्या तीन बातें? तो देखो भाई, आदताऊ, बस तीन बातें। क्या? पहला, इकोनॉमी इज अ सिस्टम, ये होगा पहला पॉइंट कि इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम है, एक सिस्टम है। कैसा? बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया, जहां पे क्या होता है? एक क्षेत्र के लोग, एक क्षेत्र के लोग। दूसरी बात, तीसरी बात, अर्न देयर लिविंग, अपना जीवन जीने के लिए पैसा कमाता है। अर्न देयर लिविंग, अपना जीवन जीने के लिए पैसा कमाता है। और हम सभी के सभी अपना जीवन जीने के लिए पैसा अपने देश में कमाते हैं। हम सभी के सभी अपना जीवन जीने के लिए पैसा कहां कमाते हैं? अपने देश के अंदर। तो साथ साथ बोलेंगे इकोनॉमी इज अ सिस्टम, इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है बाय विच, जिसके द्वारा पीपल ऑफ एन एरिया, एक देश के लोग, एक क्षेत्र के लोग अपना जीवन यापन करते हैं, अर्न देयर लिविंग, अपना जीवन जीने के लिए पैसा कमाते हैं। मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूं, मैं जो है इसको और एक्सप्लेन करता हूं। देखो भाई ध्यान से, देखो क्या आ गया, इकोनॉमी एंड इट्स टाइप, अर्थव्यवस्था एवं उसके प्रकार। देखो भाई ये बताओ, ये सब काम है जो हम लोग जीवन जीने के लिए करते हैं, और ये सभी काम एक देश के अंदर पाया जाता है। फॉर एग्जांपल लोग जीवन जीने के लिए क्या एग्रीकल्चर नहीं करते? क्या खेती नहीं करते? करते हैं। लोग जीवन जीने के लिए एग्रीकल्चर भी करते हैं, लोग जीवन जीने के लिए खेती करते हैं। तो खेती करना किसका पार्ट हो गया? खेती करना इकोनॉमी का पार्ट हो गया। दूसरा, क्या सब लोग खेती करते हैं? नहीं, सब लोग खेती नहीं करते। कुछ लोग इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, कुछ लोग पैसा कमाने के लिए, खाना खाने के लिए क्या करते हैं? इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, उद्योग में काम करते हैं। और तो और, कुछ लोग रेलवे में काम करते हैं। काम तो बहुत सारे होते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लिए मैंने, काम तो बहुत सारे होते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लिए मैंने। कुछ लोग अस्पताल में, डॉक्टर कहां काम करते हैं? डॉक्टर्स अस्पताल में काम करते हैं। टीचर्स कहां काम करते हैं? टीचर्स स्कूल में काम करते हैं। एक शॉपकीपर कहां काम करता है? एक शॉपकीपर दुकान और दुकान के अंदर काम करता है। और ये सभी सुविधाएं, रेल, स्कूल, फैक्ट्रियां, ये सब कहां मिलता है? एक देश के अंदर। ये सब सुविधाएं कहां मिलती है? एक देश के अंदर। तो इस देश के अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं? इस देश के अंदर लोग रेल के माध्यम से, एग्रीकल्चर के माध्यम से, इंडस्ट्री के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, अस्पताल के माध्यम से और दुकान के माध्यम से पैसा कमाते हैं। तो अल्टीमेटली बात कहां पे आ गई? अपना जीवन जीने के लिए पैसा कमाना। अल्टीमेटली बच्चों बात कहां पे आ गई? अपना जीवन जीने के लिए पैसा कमाना। और जीवन जीने के लिए हम पैसा किसी भी सोर्सेस से, किसी भी तरीके से कमा सकते हैं। हम अस्पताल खोल सकते हैं, हम स्कूल खोल सकते हैं, हम खेती बाड़ी
गाड़ी कर सकते हैं, हम फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, हम रेल चला सकते हैं, हम ड्राइविंग कर सकते हैं, हम कुछ भी काम कर सकते हैं पैसा कमाने के लिए एक क्षेत्र के अंदर। और इसी सिस्टम को क्या बोला गया, इसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमी। तो साथ साथ बोले गए इकोनॉमी इज अ सिस्टम, इकोनॉमी, इकोनॉमी इज अ सिस्टम, इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया, पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग, अर्न देयर लिविंग। अच्छा, अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा एक क्षेत्र के लोग अपना जीवन यापन करते हैं। सिंपल सी बात समझ में आ गया। तो ये तो इकोनॉमी, और अल्टीमेटली इसका मेन मतलब क्या है, इसका मेन मतलब है देश से, इसका मेन मतलब क्या है, मेन मतलब है देश की इकोनॉमी माने देश, क्योंकि एक देश के अंदर ही लोग, क्योंकि एक देश के अंदर ही लोग जीवन जीते हैं पैसा कमाते हैं, जीवन जीते हैं पैसा कमाते हैं, जीवन जीते हैं पैसा कमाते हैं। ठीक है भाई, ओके भाई, तो दोबारा पढ़ लो चाहो तो वही लिखा हुआ है। एक काम करो, आप इसको नोट कर लो, इसके मीनिंग को आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। चलिए अब देखो, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के प्रकार, कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, और खुद हम पढ़ लिया, वो तो हमने पढ़ लिया कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था माने देश, अर्थव्यवस्था माने देश, लेकिन एग्जाम में लिख के नहीं आना, एग्जाम में जो लिख के आना है वो आपको मैंने पूरा समझा दिया कि इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ अ कंट्री अर्न देयर लिविंग। अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा एक क्षेत्र के लोग अपना जीवन यापन करते हैं। अब पढ़ते टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के प्रकार। टाइप्स पढ़वाने से पहले मैं छोटा सा एक कॉन्सेप्ट करवाना चाहूंगा, बिकॉज जब तक वो कॉन्सेप्ट नहीं करोगे ना, ये टाइप्स आपको आएगा नहीं। तो टाइप्स पढ़वाने से पहले मैं छोटा सा एक कॉन्सेप्ट करवाना चाहूंगा, उसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ते हैं, सुनिएगा। देखो बेटा, कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन, बेटा जब हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन, बेटा प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, उत्पादन करना। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है भैया, प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन करना। कि जब हम लोग क्या करते हैं, कि जब हम लोग कोई भी प्रोडक्शन करते हैं, तो बेटा प्रोडक्शन के लिए, किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए हमको क्या क्या चाहिए, उत्पादन के लिए। बेटा हिंदी में क्या बोलूंगा, हिंदी में इसको बोला जाएगा उत्पादन। बेटा हिंदी में बोलूंगा उसको क्या, मैं उत्पादन। तो उत्पादन करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, तो सुनो मैं आपको बोलता हूं। बेटा उत्पादन करने के लिए हमको केवल ये चार चीज, अगर हमको एक देश में गुड्स एंड सर्विस, बेटा क्या बोला मैंने, हमको अगर एक देश में गुड्स एंड सर्विस, प्रोडक्शन मीन्स क्या, प्रोडक्शन मतलब वस्तु और सेवा का निर्माण करना, वस्तु और सेवा का निर्माण करना। तो हमको अगर एक देश में गुड्स, वस्तु और सेवाएं बनानी है, तो उसके लिए चार चीज चाहिए, और ये चार चीज जिंदगी भर काम आएगी इकोनॉमिक्स के अंदर। जब तक इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो ये चार चीज हमेशा बार बार पूछता रहेगा एग्जामिनर, हमेशा कहीं ना कहीं ये चार चीज आपके सामने आ जाएगी। तो सुनो भाई प्रोडक्शन करने के लिए हमको कितनी चीज चाहिए, चार, एक दो तीन चार। सबसे पहला, अगर आपको किसी वस्तु का प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन कहां पे करोगे, हवा में करोगे, भाई कहां पे करोगे जी, जमीन पे करेंगे भैया। प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए हमको, जमीन चाहिए, जमीन पे क्या बनेगी, उस जमीन पे फैक्ट्री बनेगी। तो भैया रसगुल्लो बच्चों मेरे राजा बेटा, क्या चाहिए जी, प्रोडक्शन करने के लिए हमको चाहिए जमीन। बेटा क्या चाहिए, जमीन चाहिए। तो सबसे पहला क्या चाहिए भैया, लैंड। उस लैंड पे क्या बनेगी, फैक्ट्री बनेगी। भाई प्रोडक्शन क्या, आप लोग उस पर लोगे क्या, क्या बोलते हैं, हवा में प्रोडक्शन नहीं कर सकते। प्रोडक्शन करने के लिए हमको चाहिए लैंड, हमको चाहिए जमीन। तो देखो भाई, पहला लैंड चाहिए, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, भूमि। बेटा क्या बोलते हैं इसको, भूमि, ओके। दूसरा, ये हो गया पहला, दूसरा बताओ प्रोडक्शन करने के लिए हमको और क्या चाहिए, ये बताओ, क्या प्रोडक्शन अपने आप हो जाएगा, क्या प्रोडक्शन अपने आप हो जाएगा, नहीं जी, प्रोडक्शन अपने आप नहीं होता, प्रोडक्शन करने के लिए बंदे मींस लोग चाहिए, जो लोग आएंगे, सुबह सुबह आएंगे, एक हाथ में टिफिन होगा, साइकिल पे आएंगे,
और आगे काम करेंगे, दोपहर में लंच खाएंगे, फिर घर चले जाएंगे। तो ऐसे लोग को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे लोग को हम लोग बोलते हैं लेबर। बट क्या बोलते हैं, लेबर। अबे लवर, लवर नहीं बोलते नलायको, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। लेबर, लेबर मीन्स श्रमिक, लेबर मीन्स मजदूर। तो दूसरा, एक लैंड चाहिए, दूसरा प्रोडक्शन करने के लिए बेटा हमको चाहिए लेबर। बेटा क्या चाहिए, लेबर। लेबर को बोलते हैं श्रमिक। बट क्या बोलते हैं, श्रमिक। आप मजदूर भी बोल सकते हो, आप मजदूर भी बोल सकते हो। तो हो गई दो बातें, बट कितनी हो गई, दो बातें। तीसरा, हमको प्रोडक्शन करने के लिए, उत्पादन करने के लिए और क्या चाहिए। अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो केवल मजदूर, केवल मजदूर और जमीन से प्रोडक्शन हो जाएगा? नहीं, हमको प्रोडक्शन करने के लिए, हमको प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, मशीन चाहिए। क्या चाहिए, मशीन। और पैसा भी तो चाहिए, क्योंकि पैसों से क्या आएगा, पैसों से आएगा आपका कच्चा माल, पैसों से क्या आएगा, रॉ मटेरियल जिससे प्रोडक्शन होगा, पैसों से आएगा कॉटन, उससे क्या बनेगी, शर्टें बनेगी। तो आपको चाहिए क्या, कैपिटल, कैपिटल। बट क्या चाहिए आपको, कैपिटल। तो तीसरा, प्रोडक्शन करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कैपिटल। बट हिंदी में इसको बोलते हैं पूंजी। और इसमें आती दो बातें बेटा, पूंजी में कितनी बात आती है, पूंजी में आती दो बातें, कितनी बातें, दो बातें। सबसे पहला, इसमें एक तो आपका आएगा मशीन है बेटा, क्या आएगा आपका, मशीन, कि उत्पादन करने के लिए हमको मशीन चाहिए। दूसरा, इसमें आपका आएगा कैश, क्या आएगा इसके अंदर, कैश, कि हमको पैसा भी चाहिए। अब बच्चे कंफ्यूज कि अकाउंट्स में तो कैपिटल का मतलब होता है मालिक ने जो पैसा लगाया। बेटा अकाउंट्स अलग है, एक बात सुनो, अकाउंट्स अलग है, इकोनॉमिक्स अलग है, दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है। अकाउंट्स में कैपिटल का मतलब सिर्फ सिर्फ किस होता है, कैश से जो मालिक, अकाउंट्स में कैपिटल का मतलब है वो चीज जो मालिक बिजनेस में लेकर आया, अकाउंट अलग है। इकोनॉमिक्स में कैपिटल का मतलब है वो चीज जिसके थ्रू प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन करने के लिए हमको मशीन चाहिए प्लस कैश चाहिए, मशीन चाहिए प्लस कैश। अकाउंट्स को अलग रखो, इकोनॉमिक्स को अलग रखो, आपस में मिक्स मत करो। अरे समझे क्या। और तीसरा, और क्या चाहिए बेटा, सॉरी चौथा, हमको प्रोडक्शन करने के लिए, अरे किसको, हम, अरे हम कौन है, हम है जो प्रोडक्शन करेंगे, हम कौन है जो प्रोडक्शन करेंगे। तो प्रोडक्शन करने के लिए चौथा चाहिए एंटरप्रेन्योर। बेटा क्या बोला मैंने, एंटरप्रेन्योर। बेटा इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं उद्यम। बेटा क्या बोलते हैं, उद्यम। ये कौन है, ये वह व्यक्ति होता है, ये वह व्यक्ति होता है जिसका सारा दिमाग चलेगा, जो इस प्रोडक्शन को करवा रहा है। देखो प्रोडक्शन करवाने के लिए एक बार होता होगा मालिक, एक मालिक भी तो होगा कि भैया मेरे को शर्ट बनानी है, मेरे को ये करना है। तो मालिक जो होता है, जो मालिक होता है, जो प्रोडक्शन करवा रहा है कि मेरी फैक्ट्री है, मेरे लेबर है, मेरा पैसा है, मेरी मशीन है, एक मालिक भी होगा। बट उसी मालिक को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर। बेटा क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर। जोर से बोलो, एंटरप्रेन्योर। अरे ऐसे बोलो कि घर वाले भी सुने, अरे क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर। तो बताओ, प्रोडक्शन के लिए चार चीज, लैंड, भूमि, काम करने वाले मजदूर, लेबर, मशीन और कैश, इट मींस कैपिटल, इट मींस कैपिटल। और चौथा क्या चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए। चौथा चाहिए हमको उद्यम। क्या चाहिए बच्चों, उद्यम। तो देर आर चार चीज, देर आर चार चीज, और इन चारों को, इन चारों को हम इकट्ठा, इन चारों को हम इकट्ठा क्या बोलते पता है, इन चारों को जब मैं इकट्ठा बोलूंगा तो इन चारों को इकट्ठा बेटा बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बेटा क्या बोलते हैं इनको चारों को, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अरे बोलो ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अरे मुंह में दही मत जमा, में बोलो बे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक। जब तुम घर में पैदा हुए थे तो तुम्हारे घर वालों ने सोचा था कि लड़का होगा तो नाम रखेंगे दीपक। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारे घर वालों ने सोचा था कि लड़का होगा तो नाम रखेंगे दीपक, रोशनी देगा। लड़की होगी तो नाम रखेंगे ज्योति, वो भी रोशनी देगी। लेकिन ना तुम दीपक निकले ना ज्योति, तुम निकले अगरबत्ती, बस धुआं धुआं कर रहे हो। अबे साथ साथ बोलो मेरे, जो साथ साथ बोलेगा, जो साथ साथ बोलेगा वो दीपक है, वो ज्योति है,
और जो चुप बैठा है वो कौन है? अगरबत्ती है। तो चुप नहीं बैठने का, साथ साथ बोलने का, घर को रोशन करने का, मम्मी पापा के नाम को रोशन करने का। और रोशन कैसे होगा? रोशन ऐसे होगा कि आप जो पढ़ाओगे हम वो पढ़ेंगे, तुरंत याद करेंगे और एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आएंगे। तो एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ना पड़ेगा ना। हम मेरे दीपक, हम ज्योति, पढ़ना पड़ेगा ना। तो सुनो भाई, उत्पादन के चार कारक कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। उत्पादन के कारक, उत्पादन के कारक, कारक मीन्स क्या? जिनसे प्रोडक्शन होगा। तो प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए चार चीजें, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। समझ में आ गया? अब वापस आते किस पे? वापस आते अपने कॉन्सेप्ट पे। तो चार चीज चाहिए किसके लिए? किसी वस्तु को बनाने के लिए। एक वस्तु बनेगी जमीन पे, उसको बनाने का चाहिए लेबर चाहिए, दूसरा मशीन चाहिए, तीसरा पैसा, कुछ सामान आना पड़ेगा, और चौथा मालिक, जिसका सारा दिमाग चलेगा, जो सबको ऑर्गेनाइज करेगा, जो बोलेगा तुम वहां पे काम करो, तुम वहां पे काम करो, तुम ये करो, तुम वो करो। एक मालिक भी तो होगा ना, सेठ जी, लाला जी, प्रोपराइटर जी, मालिक जी, स्वामी जी। ठीक है बच्चों, अब देखो वापस आते अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो भैया प्रोडक्शन के लिए चाहिए चार चीजें, ये लिखा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बड़ा उत्पादन के लिए बड़ा क्या चाहिए हमको? चाहिए उत्पादन के लिए हमको चाहिए चार चीज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बड़ा पहले क्या चाहिए? लैंड, जमीन। दूसरा लेबर, श्रमिक। तीसरा कैपिटल, देखो मशीन भी है और कुछ पैसा भी है। और चौथा एंटरप्रेन्योर। और ये चारों मिलकर क्या करेंगे? काम। ये चारों मिलकर क्या करेंगे? काम। समझ में आ गया? अब आते वापसी। देखो भैया, अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है, इकोनॉमी तीन प्रकार की होती है। बेटा इकोनॉमी तीन प्रकार की होती है। बेटा पहली क्या होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या बोला बच्चों ने? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अरे बोलो ना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लायक हो। अगला सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। भैया बोलो यार, घड़ेड़ो बोलो। और तीसरा मिक्स इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भैया तीन 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 इकोनॉमी तीन होती है, कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी, सोशलिस्ट, समाजवादी और मिक्स, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब होता क्या सुनो, सुनो भाई, यह है पहला कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। बच्चों कैसा है? पहला कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। सुनो बेटा, ये हमने भी चार पढ़े थे। चार मीन्स उत्पादन के चार कारक। उत्पादन के चार कारक कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अरे बोलो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। अब सुनो बेटा, आपको पता होगा, आप जानते होगे कि एक देश के अंदर, आप जानते होगे कि एक देश के अंदर, आपने बचपन पढ़ा होगा कि दो तरह के लोग होते हैं या दो तरह के क्षेत्र होते हैं। एक देश के अंदर दो तरह के क्षेत्र होते हैं भैया। एक होता है प्राइवेट सेक्टर, बड़ा क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं निजी क्षेत्र। आपने ऐसे पढ़ा होगा प्राइवेट स्कूल, पब्लिक स्कूल, या प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल। तो बेटा क्या होता है? एक होता है प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र, और दूसरा बच्चों एक होता है हमारा कौन सा सेक्टर? गवर्नमेंट सेक्टर, सरकारी क्षेत्र। बेटा सेक्टर दो होते हैं, एक देश के अंदर दो तरह के क्षेत्र होते हैं, पहला प्राइवेट सेक्टर, दूसरा गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है बेटा, गवर्नमेंट सेक्टर को हम लोग बेटा पब्लिक सेक्टर भी बोलते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर को, सरकारी क्षेत्र को हम लोग पब्लिक सेक्टर भी बोलते हैं। तो सुनो बेटा, पब्लिक सेक्टर की हिंदी होती है सार्वजनिक क्षेत्र। पब्लिक सेक्टर की हिंदी क्या होती है? सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र। तो आप गवर्नमेंट सेक्टर बोल लो, आप पब्लिक सेक्टर बोल लो, ठीक है बात एक ही है। आप सरकारी क्षेत्र बोल लो या आप सार्वजनिक क्षेत्र बोल लो, बात एक है। तो सुनो बड़ा, एक देश में दो तरह के सेक्टर होते हैं। एक होता है प्राइवेट सेक्टर, इट इज प्राइवेट कंपनियां, फॉर एग्जांपल कोकोला, पेप्सी, थम्स अप, रिलायंस, टाटा, सैमसंग, नोकिया, मोटरोला, ये सारी क्या है? प्राइवेट कंपनियां। तो एक देश में कुछ क्या होती है? प्राइवेट कंपनियां, और कुछ क्या होते हैं? गवर्नमेंट सेक्टर। बट कुछ क्या होते हैं? गवर्नमेंट सेक्टर, सरकारी क्षेत्र। तो एक देश में दो लोग होते हैं, प्राइवेट सेक्टर और सरकारी क्षेत्र। अब सुनो
जो हमारे प्रोडक्शन के चार कारक है, जो हमारे प्रोडक्शन के चार कारक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। बेटा क्या बोला मैंने, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं। अगर उन चारों कारक पर, अगेन बोलो, अगर उन चारों कारक पर अधिकार, अगर उन चारों कारक पर अधिकार प्राइवेट सेक्टर ने कर रखा है कि ऐसा देश जिसमें जो हमारे पास लैंड है, लैंड को शो करते एल से, जो लेबर है एल बी से, बेटा कैपिटल को शो करते के से, सी से नहीं किससे, के से, क्यों करते बताऊंगा बाद में, और एंटरप्रेन्योर ई है। तो जो हमारे पास चार कारक है, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो ऐसा देश जिसमें इन चारों कारक पर अधिकार किसका है, प्राइवेट सेक्टर का, कि लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, एंटरप्रेन्योर, ऐसा देश जिसमें इन चारों पर अधिकार किसका है, प्राइवेट सेक्टर का। बेटा ऐसे देश को हम लोग बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। बेटा क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखो ना कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन चारों पर अधिकार किसका है, प्राइवेट सेक्टर का, निजी क्षेत्र का, जैसे कि कोक वाला, टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी। इट मींस क्या गवर्नमेंट सेक्टर के पास, सरकारी क्षेत्र के पास कोई अधिकार नहीं है, सरकारी क्षेत्र के पास जमीन नहीं है, सरकारी क्षेत्र के पास पैसा नहीं है, सरकारी क्षेत्र के पास लेबर नहीं है, एंटरप्रेन्योर नहीं है, ये सारा का सारा इन चारों पर अधिकार किसका है, प्राइवेट सेक्टर का। इन चारों पर अधिकार किसका है, प्राइवेट सेक्टर का। तो ऐसे देश को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। ऐसे देश को हम लोग क्या बोलते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो बताओ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, तो बोलूंगा सिंपल, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वह इकोनॉमी होती है, वह देश होता है जहां पर उत्पादन के कारक पर, प्रोडक्शन के फैक्टर पर प्राइवेट सेक्टर का निजी क्षेत्र का अधिकार हो। ऐसे देश को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जल्दी से काम करो, इसको डायग्राम को नोट करो और फिर मैं आपको उसका मीनिंग पढ़वाता हूं। जल्दी से, एक मिनट का टाइम है आपके पास। बेटा वीडियो पॉज करके नोट करना है। ओके, नोट किया आप लोगों ने। अब देखो भाई, तो ऐसा देश जहां पर इन चारों पर अधिकार किसका हो बेटा, प्राइवेट सेक्टर का, ऐसे देश को बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इट मीन सिंपल बात यह है कि इस देश में प्रोडक्शन कौन करेगा, प्राइवेट सेक्टर। अल्टीमेटली इस देश को कौन चलाएगा, इस देश को चलाएगा प्राइवेट सेक्टर। इस देश को सरकार नहीं चलाएगी, इस देश को कौन चलाएगा, प्राइवेट सेक्टर। उसे क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल यूएसए, अमेरिका। बेटा क्या है, अमेरिका एक पूंजीवादी देश है, अमेरिका क्या है, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। वहां पर प्राइवेट सेक्टर का अधिकार कैसा है, ज्यादा को इसका नहीं, देखो इसका मतलब यह नहीं होता कि गवर्नमेंट का अधिकार नहीं है, इसका मतलब यह है प्राइवेट का अधिकार है बहुत ज्यादा और गवर्नमेंट का अधिकार है बहुत कम। तो सरकार का अधिकार बहुत कम हो और प्राइवेट का अधिकार बहुत ज्यादा हो, ऐसे देश को क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एग्जांपल मैंने कहा दिया, लिख लो, एग्जांपल बोला यूएसए अमेरिका, एग्जांपल बच्चों मैंने क्या बोला सिंगापुर, तो सिंगापुर है अमेरिका। बेटा क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, पूंजीवादी देश है। अब मैं इसको रीडिंग करवाऊंगा, ठीक है ना। तो क्या लिखा है बेटा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को, पूंजीवादी देश को हम लोग मार्केट इकोनॉमी, बाजार अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को, पूंजीवादी देश को हम लोग मार्केट इकोनॉमी, बाजारी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। क्या लिखा है, इन मार्केट या फिर क्या, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी या फिर बाजारी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी, जितनी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी बताया मैंने आप लोगों को। इकोनॉमिक एक्टिविटी में ऐसी क्रिया है जिसका पर्पस क्या है, पैसा कमाना। बताया लास्ट क्लास में, एक्टिविटी दो होती है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, आर्थिक क्रिया है और गैर आर्थिक क्रिया है। तो ऐसी क्रिया है जिसका पर्पस क्या है, पैसा कमाना, इट मीन प्रोडक्शन करना। तो बोल रहे कैप
पिटलेस इकोनॉमी है, पूंजीवादी देश में सभी के सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डन बाय प्राइवेट सेक्टर। किसके द्वारा होती है? प्राइवेट सेक्टर ही सारा काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर ही सारी एक्टिविटी करते हैं, सरकार का कोई भी रोल नहीं होता। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो उत्पादन कार्य कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। जो उत्पादन कारक है आर ओन्ड, ओन्ड मीन्स अधिकार, उन पर किसका अधिकार होगा? किसका अधिकार होगा? प्राइवेट सेक्टर का। कंट्रोल, उन्हें कंट्रोल कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर। और ऑपरेट मीन्स चलाना, उन्हें कौन चलाएगा? प्राइवेट सेक्टर। लिखा है डन बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो हो गया इसका मतलब कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जिसमें सभी सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रियाएं प्राइवेट सेक्टर द्वारा की जाती है, और प्रोडक्शन के जितने भी कारक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उन चारों कारक पर अधिकार भी किसका होता है? प्राइवेट सेक्टर का होता है। वो उसको ओन मीन्स अधिकार उनका है, कंट्रोल नियंत्रण भी उनका है, और ऑपरेट चलाएगी भी वो, सरकार का कोई भी रोल नहीं होता। हिंदी में क्या लिखा है? पूंजीगत या बाजारी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं निजी क्षेत्र द्वारा संचालित एवं नियंत्रित की जाती है। कि प्राइवेट एरिया संचालित उसको चलाएगा, उसे कंट्रोल करेगा, तथा उत्पादन के चार कारक लैंड, भूमि, लेबर, श्रम, कैपिटल, पूंजी, एंटरप्रेन्योर, उद्यम, उत्पादन कारकों पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण अधिकार एवं संचालन, नियंत्रण कंट्रोल, अधिकार ओन, संचालन ऑपरेट होता है। बताओ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्लियर है? अमेरिका कैसा देश है? अमेरिका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। वहां पर ज्यादा किसकी चलती है? वहां पर ज्यादा प्राइवेट सेक्टर की चलती है। समझ में आ गया? पक्का? अच्छे से, एकदम बड़े से? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसकी विशेषता है, अब जो भी हमने क्या पढ़ी, कैपिटलिस्ट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो हमने पढ़ी, इसकी विशेषता है क्या है, इसके फीचर्स क्या है। अगर विशेषताओं की बात करूं तो जो मैंने पढ़ा सब वही लिखा है, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक मिनट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या इसका मतलब आप लोग जानते हो? हाँ, उत्पादन के कारक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। ये क्या है? ये वो चार चीजें हैं, ये बच्चों आपने पढ़ रखा है 9th class के chapter number 1 में। अगर आपको याद ना हो, 9th class की बुक हो तो खोलना, chapter number 1 खोलना, page number 2 खोलना, वहां पर आपने पढ़ रखा है कि प्रोडक्शन के लिए चार चीज चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। और बताओ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पूंजीवादी देश में इन चारों को ओन्ड अधिकार किसका होगा? प्राइवेट सेक्टर का। इन चारों को मैनेज कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर। तो फीचर नंबर 1 हो गया कि उत्पादन के सभी कारकों को निजी क्षेत्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है, सभी संपत्ति पर निजी क्षेत्र का अधिकार होता है। फीचर नंबर 1। फीचर नंबर 2, प्राइवेट सेक्टर इज फ्री टू टेक ऑल द डिसीजन। यहां पर अधिकार ज्यादा किसका है? प्राइवेट सेक्टर का अधिकार ज्यादा है, तो क्या प्राइवेट सेक्टर सरकार से कोई परमिशन लेगा? नहीं लेगा। प्राइवेट सेक्टर बोले यहां पर मैं हूं, सरकार कौन है? गई सरकार भाड़ में, सरकार वहां पर कुछ नहीं होती, सरकार की वैल्यू बहुत कम। बोला ना मैंने कि सरकार का रोल बहुत ही कम और प्राइवेट का रोल बहुत ज्यादा। तो प्राइवेट सेक्टर इज फ्री टू टेक ऑल डिसीजन, इट मींस क्या? सभी निर्णय लेने के लिए वो फ्री है। फ्री मींस क्या? पूछता नहीं किसी से, अपने आप ही सभी निर्णय ले लेगा। देयर इज नो डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। बताया ना मैंने कि सरकार का कोई भी डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। सरकार बोले या ना बोले, प्राइवेट नहीं सुनेगा, बात में खत्म। हिंदी में क्या लिखा है? कि उत्पादन से संबंधित निजी क्षेत्र अपने निर्णय स्वयं लेता है, सरकार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप, इंटरफेयर नहीं करती और ना ही नियंत्रित करती। दो समझ में आ गए? ठीक है। अच्छा बात बताओ, ये तो आप जानते हो, एक होते पब्लिक स्कूल या पब्लिक सेक्टर, सरकारी क्षेत्र या सरकारी स्कूल, एक होता है प्राइवेट स्कूल। दोनों में से प्रॉफिट कौन कमाता है? दोनों में से प्रॉफिट कमाना किसका पर्पस है?
यस सिंपल सी बात है, जो प्राइवेट स्कूल है उसका पर्पस क्या है, प्रॉफिट कमाना, उसका पर्पस क्या है, लाभ कमाना, प्रॉफिट कमाना, और जो गवर्नमेंट स्कूल है वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता। तो ऐसे ही जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, जो निजी क्षेत्र होते हैं, उनका पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना, वो लाभ के लिए काम करते हैं। कोकोला, थम्स अप, मैगी, कैडबरी, डेरी मिल्क, सिल्क आपकी फेवरेट, ठीक है, और रिलायंस, टाटा, ये सब प्राइवेट कंपनी है, इनका पर्पस क्या है, पैसा, इनका पर्पस क्या है, प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना। तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है द मेन एम ऑफ प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर का मेन एम, बेटा एम मींस ऑब्जेक्टिव, एम मींस उद्देश्य, जो मेन उद्देश्य है इसका प्राइवेट सेक्टर का, इस प्रॉफिट मोटिव, इस प्रॉफिट मोटिव की प्रॉफिट मोटिव, लाभ उद्देश्य इसका, किसका पर्पस क्या है, प्रॉफिट कमाना। क्या लिखा है, इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। अगला, हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन। ये बताओ क्या आपने कभी सुना है कि दो गवर्नमेंट स्कूल में कॉम्पिटिशन हो रहा है, नहीं होता। एक्चुअली सरकारी क्षेत्र में कभी भी कॉम्पिटिशन नहीं होता, ठीक है, गवर्नमेंट की बनाई हुई वस्तु में। आपने वो सुना है कि उस राशन की दुकान में गेहूं अच्छे, इस राशन की दुकान में गेहूं बेकार है, कि दो राशन की दुकानों में आपस में कॉम्पिटिशन हो रहा है, नहीं, राशन की दुकानें सरकार की है उनमें आपस में कॉम्पिटिशन नहीं होता। सरकार में, इट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूं, इट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सरकार में आपस में कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं होता, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में कॉम्पिटिशन होता है। आप देखो थम्स अप में या पेप्सी में या कोक में कितना कॉम्पिटिशन है, मोबाइल फोन्स में, प्राइवेट का तो है, मोबाइल फोन में कितना कॉम्पिटिशन है, अगर कोई एमआई रेडमी एमआई का फोन ऐसा आएगा तो बाकी भी फोन वैसा लेके आएंगे, मोबाइल फोन में कितना कॉम्पिटिशन है, ठीक है ना। देखो मैगी था, चल रहा था, यूपी आ गया, कितना कॉम्पिटिशन है, थम्स अप को कितना कॉम्पिटिशन है, अमूल और मदर डेरी कितना कॉम्पिटिशन है, इतना तगड़ा कॉम्पिटिशन है कि इनके बड़े बड़े क्या लगे होते पोस्टर, कि ताकि लोग अट्रैक्ट हो और इनकी वस्तु खरीदे। तो प्राइवेट सेक्टर में आपस में कॉम्पिटिशन होता है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में आपस में कभी भी कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट का पर्पस पैसा कमाना नहीं है। अरे भैया कॉम्पिटिशन क्यों कर रहे हैं, पैसा कमाना है ना। ये बताओ ये मैगी क्यों कर रहा है कॉम्पिटिशन, मैगी अपने एड का लगा रहा है ताकि लोग उसको देखे पैसा कमाए, क्योंकि इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है लाभ कमाना। तो जहां पे प्रॉफिट की बात आएगी, जहां पर लाभ की बात आएगी, जहां पर पैसे कमाने की बात आएगी, वहां पर कॉम्पिटिशन होगा। प्राइवेट सेक्टर्स में आज बहुत कॉम्पिटिशन है, बाइक्स में कॉम्पिटिशन है, ठीक है ना, कार में कॉम्पिटिशन है, पेन में कॉम्पिटिशन है। तो प्राइवेट सेक्टर में आज बहुत कॉम्पिटिशन, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में आपको शायद कभी कॉम्पिटिशन देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो क्या लिखा है, तो ऐसा देश जहां पर कौन है, प्राइवेट सेक्टर भरे पड़े हैं, उसे क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और इस देश में क्या होगा, हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन, प्रतियोगिता का स्तर बहुत अधिक, उच्च स्तर की प्रतियोगिता का स्तर बहुत अधिक होता है। समझ में आ गया, ये हो गया चार फीचर। बेटा पांचवा फीचर अभी नहीं करना, आपको समझ में नहीं आया, क्यों, क्योंकि आपको एक चीज पानी पहले, क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स, केंद्रीय समस्या क्या होता है। देखो ना, अब देखो एक टॉपिक पढ़ाना मुझे, कौन सा टॉपिक, नंबर 3, सेंट्रल प्रॉब्लम, केंद्रीय समस्या होता क्या है। जब ये पढ़ लोगे तब आपको समझ में आएगा ये वाला फीचर कि इन द मार्केट इकोनॉमी सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। अब होता क्या है तो समझ में आएगा ना। तो इसको छोड़ दो, नोट कर लेना, लेकिन इसको समझना भी नहीं है, इसको समझाऊंगा टॉपिक 3 होने के बाद। वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो। वैसे तो आपको क्या मिलेगा, वैसे तो बच्चों आपको नोट्स मिलेगा पीडीएफ में, वैसे तो आप लोगों को पीडीएफ फाइल के अंदर आपके एप्लीकेशन में, मोबाइल एप्लीकेशन में आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप इसको नोट भी कर लो, क्योंकि नोट करोगे तो आपको हैंड टू हैंड याद भी हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लिया आप लोगों ने, आगे बढ़े चलो। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, खत्म कर दिया। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे, अब बच्चों क्या पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। बेटा क्या पढ़ते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। बेटा वही वाली बात उसका उल्टा कर दो, उल्टा कैसे कर दो, एक बात बताओ,
वहां पे जो प्रोडक्शन के चार कारक थे बेटा, कितने कारक थे? चार, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। बेटा कितने कारक थे? चार, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। उन चारों पर अधिकार किसका था? अरे बोलो ना, अरे मुझसे बोलो ना। हाँ भाई सुना है ना, तू पढ़ा रहा हूं मैं। तो उन चारों पर बताओ ना, उन चारों पर अधिकार किसका था? अगर लड़की, अच्छा इसलिए नहीं बोल ले, समझ गया, लड़का हो ना इसलिए बोल ले, कोई लड़की पढ़ा रही होती तो बताओ ना। फिर तुम बोलते भाई सुन लो मेरी भी यार, भाई तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूं, लड़की कोई लड़की पढ़ा रही होती ना तो गला फाड़ फाड़ के बोलते, लड़के तो फोन में घुस घुस के बोलते, भाई सुन लो। हाँ भाई, प्रोडक्शन के चार कारक, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, भूमि श्रम पूंजी नियम। हाँ भाई, अरे प्रोडक्शन करने के लिए चार चीज, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। अगर उन चारों को इस बार कौन कंट्रोल करे? गवर्नमेंट सरकार भाई। कि उन चारों पर अधिकार किसका है? सरकार का। कि गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, इस बार प्राइवेट कंट्रोल गया, उल्टा हो गया ना। पहले क्या था? पहले प्राइवेट का रोल था ज्यादा, गवर्नमेंट का रोल था कम। अब क्या हो गया? गवर्नमेंट का रोल है ज्यादा और प्राइवेट का रोल है कम। तो ऐसा देश जहां पर प्रोडक्शन के फैक्टर पर उत्पादन के कारक पर अधिकार किसका है? गवर्नमेंट सेक्टर का। किसका है? गवर्नमेंट सेक्टर का, बीजेपी का। ओए हुई, तो जानते हो ना आम आदमी पार्टी, ओए हुई कांग्रेस। तो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी, मतलब ये सरकार है, ये सब कौन है? सरकार है। तो अगर इन सरकार का कंट्रोल हो, इन गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, किस पर? लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, भूमि श्रम पूंजी उद्यम। तो ऐसे देश को हम लोग क्या बोलते हैं? सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। ऐसे देश को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। इट मीन्स इन चारों को अब कंट्रोल कौन करेगा? सरकार। अब ऑपरेट कौन करेगा? सरकार। अब अधिकार किसका होगा? सरकार का। समझ में आया? अरे आया ना बेटा। कुछ समझ में ना आए, अगर कुछ समझ में ना आए तो आप लोग जो है मेरे को जो व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप पर कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है? सब बच्चे मेरा व्हाट्सएप नंबर ऐड कर लेंगे, मैं एक ग्रुप बना दूंगा। मैं जो है 11th क्लास का, ये देखो, ये बच्चों कॉल नंबर है, अगर कॉल करनी हो तो कॉल इस पे करनी है, और हां व्हाट्सएप भी आपको उस पे करना है, ठीक है? ये नंबर है मेरा, ठीक है? नाम तो जानते हो मेरा भाई, नाम क्या है मेरा? प्रथम सिंह। तो भाई ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, ये मेरा कॉल नंबर भी है, अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, बड़ा इस पे करना है। सब बच्चे मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे, मैं उनका एक ग्रुप बना लूंगा, इकोनॉमिक्स का स्पेशली, कि इकोनॉमिक्स का ग्रुप बना लूंगा जिसमें हम इकोनॉमिक्स की ही बातें करेंगे, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन लिखेंगे, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछेंगे, इकोनॉमिक्स के नोट्स वही आपको दे दिया करूंगा, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे इसका, इकोनॉमिक्स का। आप सब मेरे को अपना नाम और अपनी स्ट्रीम और अपना जो है क्लास भेज देना, मैं आपको जो ग्रुप में ऐड कर लूंगा इकोनॉमिक्स के 11th क्लास के अपने से ग्रुप में। समय में आ गया, ठीक है भाई? तो गवर्नमेंट सेक्टर ने इन चारों पर अपना अधिकार कर रखा है, तो क्या बोलेगा इसको? अरे मुझसे बोलो, क्या बोलेगा इसको? सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समय में आ गया, ओके। रीडिंग करते हैं देखो भाई, सोशलिस्ट इसका एक और नाम है, सोशलिस्ट इकोनॉमी को सेंट्रली प्लैंड केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी या फिर सेंट्रली प्लैंड, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी रेफर्स टू एन इकोनॉमी, इसका मतलब उस देश से होता है इन विच, जिसके अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक, एक मिनट, उत्पादन के कितने कारक? चार। तो याद रखना, ये तो जिंदगी भर याद रखना है, इको में उत्पादन के चार कारक, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। अरे बोलो ना, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, उत्पादन के चार कारक। अगर इन चारों पर अधिकार किसका हो? गवर्नमेंट का। तो क्या बोलूंगा? सोशलिस्ट इकोनॉमी लिखा है ना, कि इन विच फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, अधिकार
कंट्रोल, नियंत्रण, ऑपरेट, संचालन, चलाना किसके हाथों में है? गवर्नमेंट के हाथों में। उसे क्या बोलते हैं? सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। हाँ भाई, समझ में आ रहा है ना लायको? स्माइल कर दो समझ में आ रहा हो तो। वेरी गुड, चलो अगला। सॉरी, हिंदी में समाजवादी या फिर केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, वे अर्थव्यवस्था होती है, वे अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के साधनों का, जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, इट मीन्स अधिकार, स्वामित्व मीन्स मालिकाना हक, अधिकार, नियंत्रण किसका होता है? सरकार या केंद्रीय अधिकारी का होता है। उसे क्या बोलते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? समाज। एक काम करो, स्वामित्व को हटा के, स्वामित्व को हटा के आप लोग लिख लो संचालन, आप लोग लिख लो संचालन। बेटा को बताऊं मैं, संचालन का मतलब होता है ऑपरेट। ऑपरेट मींस क्या होता है? संचालन। कंट्रोल मींस क्या होता है? नियंत्रण। और ओन मींस क्या होता है? अधिकार। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम जो वर्ड मीनिंग है, ओन मींस क्या होता है? ओन मींस होता है अधिकार, कंट्रोल मींस नियंत्रण, ऑपरेट मींस संचालन। तो अगर संचालन, अधिकार, नियंत्रण किसका हो? सरकार का या कोई केंद्रीय अधिकारी। केंद्रीय अधिकारी मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट। यार गवर्नमेंट दो होती है, स्टेट या सेंट्रल। मेन कौन सी है? मेन होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वही बात बोल रहा है, ये वही बात बोल रहा है। ठीक है, एक काम करो जल्दी से आप इसको नोट करो। हाँ भाई, तो उसको नोट किया आप लोगों ने? ठीक है, बड़े बढ़ते आगे की ओर। अब इसके फीचर्स क्या है? अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। जो इस पर किसका अधिकार है? गवर्नमेंट का अधिकार है। ऐसा देश जिसमें सभी फैक्टर्स पर सरकार का, गवर्नमेंट का अधिकार हो, उसे क्या बोलते हैं? सोशलिस्ट इकोनॉमी। गवर्नमेंट टेक्स ऑल द डिसीजन, सरकार ही सभी निर्णय लेगी। देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर। निजी क्षेत्र कोई भी, लिखा है ना कि उत्पादन से संबंधित सारा निर्णय कौन लेगा? सरकार। निजी क्षेत्र का कोई भी हस्तक्षेप क्यों होगा? उसका हस्तक्षेप कहां पे होता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। यहां पे किसका इंटरफेयर होगा? ओनली सरकार का। आगे, ऑल डिसीजन एम टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। बड़ा सोशल वेलफेयर मतलब होता है देश की जनता का कल्याण, देश की जनता का कल्याण। कल्याण मीन देश की जनता का फायदा, देश की जनता का कल्याण, देश की, अबे जनता के बारे में सोचना, देश की जनता का फायदा। ठीक, तो बताओ क्या सरकार का पर्पस भी लाभ कमाना होता है? क्या सरकार ने सरकारी स्कूल आपसे पैसा कमाने के लिए खोले? क्या सरकार ने सरकारी अस्पताल आपसे पैसा कमाने के लिए खोले? नहीं, सरकार ने गवर्नमेंट स्कूल, सरकार ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिर्फ सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण या देश की जनता के कल्याण के लिए खोले। क्या लिखा है? इस अर्थव्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक कल्याण होता है। अगला, लो लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन। क्या सरकारी क्षेत्र में कभी कॉम्पिटिशन हुआ? क्या आपने देखा कि दो अस्पताल आपस में कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, दो सरकारी स्कूल आपस में कॉम्पिटिशन कर रहे हैं? नहीं, दो सरकारी स्कूल, दूसरा स्कूल क्या करे भारत में, हमें उस फर्क नहीं पड़ता। सरकारी स्कूल में क्या होता है? दूसरा स्कूल क्या कर रहा है? वी डोंट केयर। तो कभी भी गवर्नमेंट सेक्टर में कॉम्पिटिशन, प्रतियोगिता नहीं होती। क्या लिखा है? लो लेवल ऑफ, अगर होगा भी तो काफी लो लेवल का, काफी हल्के लेवल कंपटीशन होगा, हाई लेवल वाला कंपटीशन नहीं होगा। और वही जो चौथा फीचर है, मैं कब पढ़ाऊंगा जब सेंट्रल प्रॉब्लम, जब केंद्रीय समस्याओं को मैं समझा दूंगा कि होती क्या है। तो ये हो गया इसके फीचर समाजवादी अर्थव्यवस्था के। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो जल्दी से। चलिए बड़ा आखिरी अर्थव्यवस्था, आखिरी अर्थव्यवस्था बहुत इजी है, पढ़ रखा है। कैसे? पूंजीवादी पढ़ लिया, समाजवादी पढ़ लिया, कैपिटलिस्ट प्राइवेट का अधिकार पढ़ लिया, हाँ जी, सोशलिस्ट सरकार का अधिकार पढ़ लिया, उन दोनों को मिक्स कर दो। अच्छा, एक बच्चे ने बोला भैया इसका एग्जाम्पल दो।
सोशलिस्ट इकोनॉमी कोई देश ऐसा है जहां पे सिर्फ सरकार की चलती हो? हाँ, एग्जाम्पल क्यूबा। बेटा क्यूबा कंट्री है जहां पर ओनली क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, केवल सरकार का कंट्रोल होता है। चलो बेटा पाते हैं, तो देखो इसको बोलते हैं मिक्स्ड। इसके नाम में आंसर मिक्स्ड, मिक्स में से मिश्रित है। किसका मिश्रण है? पहली वाली का और दूसरी वाली का। जो पहली वाली और दूसरी वाली दोनों को आपस में मिला दूं, जो पहली वाली और दूसरी वाली दोनों को आपस में मिला दूं, तो जो अर्थव्यवस्था बनती है उसको क्या बोलते हैं? मिक्स इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इट मींस ऐसी इकोनॉमी जहां पर जमीन पर दोनों का अधिकार होगा, सरकार का भी और प्राइवेट का भी, जहां पर लेबर पर दोनों का बराबर अधिकार होगा, सरकार का भी और प्राइवेट का भी, जहां पर कैपिटल पर पूंजी पर भी क्या होगा, बराबर का अधिकार होगा, और जहां पर एंटरप्रेन्योर पर उद्यम पर भी क्या होगा, बराबर का अधिकार। इट मींस ऐसी इकोनॉमी ऐसा देश, इकोनॉमी बोले तो देश, ऐसा देश जहां पर इन चारों पर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जहां पर इन चारों पर दोनों का अधिकार हो। इट मींस ऐसा देश जहां पर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर देश को चलाए, ऐसा देश जहां पर प्राइवेट का भी समान अधिकार हो और गवर्नमेंट का भी क्या हो, समान अधिकार हो, ऐसे देश को हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखो ना यहां पर गवर्नमेंट सेक्टर भी है और यहां पर प्राइवेट सेक्टर भी है। देखो कोको कोला है, टाटा है, रिलायंस है, सब प्राइवेट वाला भी है, और वही आपका बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है। इट मींस गवर्नमेंट सेक्टर भी। इट मींस क्या? इट मींस ये कि गवर्नमेंट का भी क्या हो, अधिकार हो, सरकार का भी क्या हो, अधिकार हो, और प्राइवेट का भी क्या हो, अधिकार हो। जब दोनों का इक्वल अधिकार होगा, जब दोनों मिलकर काम करेंगे, ऐसे देश जहां पर दोनों मिलकर काम करे, जहां पर इन चारों पर दोनों का अधिकार हो, उसे क्या बोलते हैं? अरे मुंह से बोलो, क्या बोलते हैं बेटा? मिक्स इकोनॉमी कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते है। हाँ मैं झेपा क्या? अरे समझे क्या? समझ गए होगे? तो ये होगा क्या आपका मिक्स इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका एग्जांपल, अबे यार इसके एग्जांपल की भी नीड है, ये लो इसका एग्जांपल इंडिया, भारत। इंडिया क्या है? इंडिया एक मिक्स इकोनॉमी है, इंडिया एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आप देखते हो कि हमारे देश में गवर्नमेंट का भी एक अपना अच्छा खासा रोल है, अच्छा खासा अधिकार है, और प्राइवेट सेक्टर का भी क्या है, अपना एक अच्छा खासा रोल। इट मींस क्या? दोनों का इक्वल रोल है हमारे देश के अंदर, गवर्नमेंट का भी और प्राइवेट का भी। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? मिक्स इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि भारत ने आजादी के बाद अपने आप को अपनाया था। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, बेटा कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि इंडिया आज से क्या माना जाएगा? एक मिक्स इकोनॉमी, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था माना जाएगा। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग पढ़ लेते हैं। बहुत इजी मीनिंग है। क्या लिखा है? इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी, इस प्रकार के देश में इकोनॉमिक डिसीजन, जो भी निर्णय है, जो भी आर्थिक निर्णय, इकोनॉमिक डिसीजन, जो भी देश के आर्थिक निर्णय, आर्थिक निर्णय, इकोनॉमिक मीन्स क्या होता है? पैसों से संबंधित। इकोनॉमिक माने क्या होता है? पैस, पता था मैंने, इकोनॉमिक क्या है? एक एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? जो पैसों से संबंधित हो। तो बोले इस प्रकार के देश में जो भी क्या होंगे, इकोनॉमिक डिसीजन, जो भी आर्थिक निर्णय होंगे, इट मींस जो भी पैसों से संबंधित निर्णय होंगे, वो दोनों प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर तय करते हैं। दे बोथ हैव पार्टली, बेटा पार्टली का मतलब होता है आधा आधा। बेटा पार्टली का मतलब क्या होता है? आधा आधा। अब राधा नहीं, आधा। तो दे हैव पार्टली कंट्रोल ओवर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक पर दोनों का आधा आधा, दोनों का आधा आधा अधिकार होता है। प्राइवेट का भी अधिकार होगा और गवर्नमेंट का भी अधिकार होगा। समय में आ गया हिंदी में। यह वह अर्थव्यवस्था है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र, ओहो सार्वजनिक क्षेत्र बोले तो सरकारी क्षेत्र, तथा निजी क्षेत्र बोले तो प्राइवेट क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं। हाँ जी, दोनों मिलकर काम करते हैं। इसमें उत्पादन के साधन, बेटा साधन बोल लो या कारक बोल लो, उत्पादन के कारक बोल लो, उत्पादन के साधन बोल लो, बात एक है, चिंटू बोल लो, या फिर चमन बोल लो,
तो चिंटू बोल लो या चमन बोल लो, बात तो एक ही है, साधन बोल लो या कारक बोल लो, बात तो एक नलायक हो, कुछ और मत सोचो। तो बोलना उत्पादन के साधन या कारक पर निजी क्षेत्र एवं सरकारी क्षेत्र दोनों का अधिकार होता है। निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र दोनों का अधिकार होता है। सही लग रहा हूं मैं बार बार? ठीक है, ठीक है, इतना भी ध्यान मत दो, पढ़ाई पे ध्यान दो नालायकों। अगला, फीचर्स ऑफ मिक्स इकोनॉमी, फीचर्स ऑफ मिक्स इकोनॉमी, फीचर्स ऑफ मिक्स इकोनॉमी। ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जितने भी उत्पादन के कारक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, आर ओन्ड बाय बोथ प्राइवेट सेक्टर। अच्छा, तो ऐसे हिल रहा है, ओहो, बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट, कि जितने भी क्या है प्रोडक्शन के फैक्टर है दोनों पर ओन में इसका अधिकार किसका होगा, प्राइवेट सेक्टर का भी होगा और गवर्नमेंट सेक्टर का भी होगा। क्या लिखा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारकों पर निजी क्षेत्र तथा सरकारी दोनों का नियंत्रण या अधिकार होता है। दूसरा, डिसीजंस आर टेकन अप बाय बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, जितने भी क्या निर्णय देश में जो भी निर्णय लेना होगा वो निर्णय कौन लेगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था में निर्णय सरकार तथा निजी क्षेत्र दोनों मिलकर लेंगे, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर क्या लेंगे, निर्णय लेंगे। अगला, प्राइवेट सेक्टर मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट, अब दोनों क्षेत्र है, जब दोनों क्षेत्र है तो प्राइवेट का ध्यान किस पे होगा, अपने प्रॉफिट पे, अपने प्रॉफिट पे, और गवर्नमेंट का ध्यान किस पे होगा, अपनी समाज सेवा पे, तो गवर्नमेंट समाज सेवा में लगी होगी और प्राइवेट अपने प्रॉफिट में लगा होगा। तो भी तो बोल रहा है कि प्राइवेट सेक्टर मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट एंड पब्लिक सेक्टर, इट मींस क्या, पब्लिक सेक्टर बोले तो गवर्नमेंट सेक्टर एंगेज्ड इन सोशल वेलफेयर, निजी क्षेत्र लाभ में होगा और सार्वजनिक क्षेत्र अपने समाज कल्याण में। क्या लिखा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र का उद्देश्य लाभ कमाना होता है और सरकार का उद्देश्य सामाजिक कल्याण करना होता है। समय में आ गया, ये वाला पॉइंट कब पढ़ाऊंगा, कब पढ़ाऊंगा, जब मैं सेंट्रल प्रॉब्लम केंद्रीय समस्या क्या होती है समझा दूंगा। तो हर फीचर का लास्ट वाला पॉइंट छोड़ा है मैंने और बाकी सारे फीचर्स हमारे हो गए। अच्छा, एक बच्चा बोला भैया कंपटीशन वाला फीचर लिखा ही नहीं, वो आएगा भी नहीं, क्योंकि यहां पर कंपटीशन बीच में आ गया, वहां पे हाई था, यहां पे लो था, यहां बीच में आ गया, भाई समझ में नहीं आया। पूंजीवाद में क्या था, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा था, समाजवाद में बहुत कम था, तो यहां पर बीच में होता है तो उसको लिखने की नीड नहीं है। ये क्या हो गए, ये हो गए इसके मेन तीन फीचर। तो भैया ये हो गया मिक्स इकोनॉमी, अगेन बोल रहा हूं बेटा, ये जो आज था टॉपिक नंबर वन कंप्लीट हो गया। आपको नंबर दे रखा है मैंने अपना कि आप मेरे को 7011004544 पे क्या करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे नाम के साथ, स्ट्रीम के साथ, ताकि आपका इकोनॉमिक्स का एक ग्रुप बन सके और उसमें मैं नोट्स डाल सकूं और आपसे जो है इकोनॉमिक्स से संबंधित बातचीत कर सकूं, क्वेश्चन आंसर कर सकूं, आपके क्वेश्चंस का जवाब दे सकूं। तो इस वीडियो को देखने के बाद जल्दी से आप क्या करेंगे, इस पे व्हाट्सएप करेंगे और ग्रुप में एड हो जाएंगे, ठीक है, और मुझे अपना काम भी आप लोग सेंड करेंगे। ये इसमें आप मेरे को अपना काम भी सेंड करेंगे। चलिए तो बेटा, ओके, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, रसगुल्लो बच्चों, राजा बेटा, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, अपनी अगली वीडियो में, और जब तक मैं ना मिलूं दुआओं में याद रखना।